कनाडा और भारत के रिश्तों में फिर तनाव पैदा हो गया है। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की 2023 में कथित हत्या को लेकर एक बार फिर भारत पर आरोप लगाए हैं। कनाडा ने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे राजनयिकों को निज्जर की कथित हत्या से जोड़ा है। भारत सरकार ने कनाडा की इस हरकत के बाद एक्शन लेते हुए हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा सहित अपने राजनयिकों को भारत वापस बुला लिया है। साथ ही भारत ने कनाडा को इस मामले को लेकर जवाब भी दिया है। आपको बता दें कि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया है। कनाडा के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। साथ ही साथ भारत ने इन 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़कर जाने का आदेश भी दे डाला है। भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर साल 2023 में हुई निज्जर की कथित हत्या को लेकर जो तनाव सामने आए हैं, बता दें कि उसमें कनाडा ने भारत के हाई कमिश्नर को सीधा टारगेट किया है। चलिए इसी बीच जानते हैं कि कौन है संजय वर्मा, जिन पर आरोप लगाकर कनाडा ने भारत से पंगा लिया है। दरअसल दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव में एक नाम सुर्खियों में बना हुआ है और वो है संजय कुमार वर्मा। भारत ने कनाडा को जवाब देते हुए जो प्रेस रिलीज की है उसमें भी बताया गया है कि जिन संजय वर्मा पर कनाडा गंभीर आरोप लगा रहा है वो भारत के सीनियर डिप्लोमेट हैं, जो पिछले 36 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संजय कुमार वर्मा को साल 2022 में कनाडा के ओटावा में हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। पिछले 2 साल से वो कनाडा में हाई कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि अपने 36 साल के करियर में संजय वर्मा जापान, सूडान, इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में राजदूत रह चुके हैं। सूडान में हाई कमिश्नर के पद पर सेवाएं देने के बाद संजय वर्मा ने भारतीय विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। कनाडा में हाई कमिश्नर के पद पर काम करने से पहले उन्होंने जापान और मार्शल द्वीप में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाली। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी नेता था और भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित किया हुआ था। निज्जर की पिछले साल 2023 में कथित हत्या हो गई थी। कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और कनाडा में निज्जर की हत्या की जांच चल रही है। भारत सरकार के एजेंट निज्जर की मौत से जुड़े हुए थे। इसी के चलते एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। हालांकि भारत पहले भी कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है। कनाडा ने जब भारत के राजनयिकों को सीधे टारगेट किया तो भारत ने भी एक्शन लेते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि भारत का भी इस मामले पर सामने रिएक्शन आ चुका है। बता दें कि भारत सरकार ने कनाडा के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को खारिज करती है। साथ ही कहा गया है कि ट्रूडो सरकार ये सब वोट बैंक की राजनीति के चलते कर रहे हैं। भारतीय सरकार ने कनाडा को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए अपने राजनयिकों को ये कहकर देश वापस बुला लिया है कि हमें कनाडा पर अब भरोसा नहीं है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ट्रूडो सरकार ने भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और बाकी राजनयिकों को और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।